हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको बता रहे हैं SSD के कि SSD कौन कौन सी SSD होती है, हमारे कौन सिस्टम में कौन सी SSD लगेगी। आज हम आपको SSD के बारे में बता रहे हैं। आपको वीडियो से पहले आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये अवश्य बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह से यूजफुल होता है। तो हम आपको SSD के प्रकार के बारे में बता देते हैं कि SSD कितने प्रकार की होती हैं। SSD होती हैं आपकी तीन प्रकार की SSD होती हैं। पहली होती है SATA SSD जो 2.5 इंच की SSD होती है, हार्ड डिस्क की तरह होती है। दूसरी आती है M.2 SSD जो कि दो कट वाली SSD होती है, जिसमें दो कट होते हैं, वो RAM की तरह की छोटी SSD होती है, एक चिप की तरह की। तीसरी होती है NVMe SSD जो एक कट सिंगल कट की SSD होती है। ये आजकल लेटेस्ट मॉडल में ये अब आज SSD यो वाली आ रही है। तो ये किन मॉडल में लगती है? ये हाई कॉन्फ़िगरेशन के मॉडल में लगती है। ये जो SSD होती है आपकी NVMe M.2 जो होती है, ये हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन में लगती है। ये हार्ड डिस्क प्लस SSD उस कंडीशन में ये हार्ड डिस्क ये SSD यूज होती है। जैसा कि मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ किस तरीके की कौन सी SSD होती है। ये हमारी SSD है, क्रूशियल कंपनी की SSD है। आप इसको देखोगे ये बिल्कुल हार्ड डिस्क की बनावट होती है इसकी। जैसे हमारी नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है लैपटॉप की 2.5 इंच वाली, उसी कंडीशन में ये हार्ड डिस्क होती है। इसको हम SATA SSD बोलते हैं। ये क्या होता है? ये उस यूज में लगती है कि आपको हार्ड डिस्क बदल के आपको SSD लगवानी है, तो उस कंडीशन में ये हार्ड डिस्क स्टैंडर्ड होती है। हार्ड डिस्क की तरह ये उसमें लगती है जिसमें हम हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके SSD लगाना चाहते हैं। ये तो वो होता है, ये SSD वो होती है। दूसरी SSD आती है M.2, ये WD ग्रीन की SSD है। हमारे पास M.2 SSD है, इसमें दो कट होते हैं। आप देखोगे ये इस बनावट की होती है, ये सेफ होती है हार्ड डिस्क SSD की। ये क्या होता है? ये हार्ड डिस्क के साथ हार्ड डिस्क प्लस आपका SSD, ये 256 GB, 512 GB, 1 TB सब तक आती है। वो भी जो आपको चाहे वो मिल जाएगा, 240 GB जो भी आपको साइज चाहिए वो साइज मार्केट में अवेलेबल होता है। और ये आपको हार्ड डिस्क प्लस SSD ये उस कॉन्फ़िगरेशन पे होता है जो हाई कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप होते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क भी होता है और SSD भी होता है। तीसरे प्रकार की हमारी होती है NVMe SSD। ये NVMe SSD है हमारी, आप देखोगे ये सिंगल कट की SSD होती है। ये इस शेप में होती है, यहाँ पे आप देखोगे इसका सिंगल कट होता है, ये सिंगल कट SSD होती है। इस SSD का भी क्या प्रयोग क्या है? ये भी हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप में यूज होती है, लाइक एप्पल लैपटॉप और HP के कोई गेमिंग लैपटॉप होता है, ASUS के गेमिंग लैपटॉप होते हैं, ये होता है। ये हार्ड डिस्क प्लस SSD के साथ ये जो मशीन होती है, जिस कॉन्फ़िगरेशन में हार्ड डिस्क और SSD दोनों होती हैं, उस मशीन में ये यूज होती है। प्लीज़ आप हमें एक बार अवश्य ऐसा जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।